वेलकम स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कुछ आपको दो एग्जांपल दी थी उसमें, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। तो आज हम कुछ और जो एग्जांपल हैं वो डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो एक एडवर्टाइजमेंट होती है फॉर सेल, व्हीकल, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्रोडक्ट न्यूज़पेपर के अंदर होता है। अगर आपने वो प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो क्या क्या जो है इनपुट होने चाहिए जब आप उस एडवर्टाइजमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर सेल वाली, तो ये जो 7 पॉइंट है ये उसके अंदर होने चाहिए। जैसे मेक, मारुति, हुंडई और होंडा एट्सेट्रा, ये मतलब जिस कंपनी का वो व्हीकल है उस कंपनी का नाम होना चाहिए या जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है। जैसे मान लो अगर आप फॉर सेल, आप टाइटन अपनी वॉच सेल करना चाहते हैं तो वो टाइटन कंपनी की है तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम होगा जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहेंगे। मॉडल, उसका मॉडल के बारे में बताना होगा, कलर के बारे में बताना होगा, एक्सेसरीज के बारे में भी बताना होगा। फिर माइलेज, अगर व्हीकल है तो उसकी माइलेज कितनी है। इंश्योरेंस भी बताना है कि उसकी इंश्योरेंस है या नहीं। डन, मतलब डन मीन्स कि कितने किलोमीटर वो चला है, या डन के अंदर जैसे कोई भी मान लो जो टाइपराइटर है या मोबाइल फ़ोन है कितने साल आपने यूज़ किया है वो भी आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। कंडीशन बता सकते हैं कि गुड कंडीशन है तो वेरी गुड कंडीशन है, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओनर डिटेल, उसके मालिक के बारे में भी बताना है कि वो क्यों सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो ओनर है, द ओनर इज़ गोइंग टू अब्रॉड, द ओनर इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, उसको पैसे चाहिए। द ओनर हैज़ परचेज्ड न्यू लैपटॉप सो ही वांट्स टू सेल दिस लैपटॉप, इस तरह से आप रीज़न डिस्क्राइब करेंगे। ओनर डिटेल, एक्सपेक्टेड प्राइस, आप कितना प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप उस चीज़ को सेल करना चाहते हैं। फिर आप लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर देंगे तभी लोग आपसे जो है कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो फॉर सेल के लिए, जैसे मान लो मारुति 800 फॉर सेल। सबसे पहले हम टाइटल लिख लेंगे जिस चीज़ को हम सेल करेंगे, मारुति 800 फॉर सेल। मान लो अगर हम मोबाइल सेल कर रहे हैं तो हम लिख देंगे मोबाइल फॉर सेल। अगर हम टाइपराइटर सेल कर रहे हैं तो हम लिख देंगे टाइपराइटर फॉर सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि उसका मॉडल, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मॉडल लिखा है 2008 मारुति 800, मारुति उसकी कंपनी का नाम भी आ गया, ठीक है। तो मान लो जो भी प्रोडक्ट है उसका मॉडल और उसकी कंपनी का नाम लिखेंगे। फिर आप वाइट कलर, और देखिए वाइट कलर, कलर बता दिया। डन, 20,000 किलोमीटर जो आपका व्हीकल है ये 20,000 किलोमीटर चला है। सिंगल हैंड ड्रिवन, ये मतलब सिंगल हैंड ड्रिवन है। टॉप एंड मॉडल, ये जो टॉप एंड मॉडल है। एक्सीलेंट कंडीशन, कंडीशन के बारे में बताएंगे आप। एसेसरीज इंटैक्ट, मतलब सारी की सारी एसेसरीज इसके अंदर वैसे की वैसी हैं, बरकरार हैं। एक्सीडेंट फ्री लिख सकते हैं या विदाउट स्क्रैचेस। मान लो अगर आप मोबाइल सेल कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं विदाउट स्क्रैचेस, तब एक्सीडेंट फ्री नहीं आएगा। तो इन दोनों में से आपने एक वर्ड यूज़ करना है। एक्सीडेंट फ्री जो है स्टूडेंट्स ये आएगा व्हीकल के लिए, और विदाउट स्क्रैचेस मान लो मोबाइल या कोई और प्रोडक्ट है उसके लिए आपका यूज़ हो जाएगा। एंड फुली इंश्योर्ड इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और भी बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए जब हम नोटिस लिखते थे तो वहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस के अंदर हम नोटिस लिखते थे, जो स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए हम तैयार करते थे। तो लेकिन जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट फ्रेजेस, शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। जैसे वाइट कलर, ये शॉर्ट फ्रेज है। डन, 20,000 किलोमीटर, सिंगल हैंड ड्रिवन, तो शॉर्ट फ्रेजेस का यूज़ होता है इस तरह से ताकि हमारा मैसेज क्लियर हो जाए एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आगे देखिए, द ओनर इज़ गोइंग अब्रॉड, अब ओनर के बारे में बताना है कि ओनर क्यों देना चाहता है कि वो अब्रॉड जा रहा है। एक्सपेक्टेड प्राइस आप बता सकते हैं 2 लाख। कॉन्टैक्ट 28 रामनगर दिल्ली, बिटवीन 3 PM to 5 PM। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं साथ में, तो इस तरह से। और लास्ट में जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बताया, एडवर्टाइजमेंट आप जैसे बनाएंगे कोई भी, हर एडवर्टाइजमेंट को आप एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे, तो इसका आप ध्यान रखें, एक बॉक्स के अंदर आप बंद कर लेंगे तभी पेपर में वो अच्छा दिखेगा। अब सेकंड एडवर्टाइजमेंट जो हम डिस्कस करेंगे यह टू लेट, अगर किराए पे कोई घर देना हो, या हाउस फॉर सेल, या डिस्पोज ऑफ पेरेंटल हाउस, केवर पेपर में आता है, यू वांट टू डिस्पोज ऑफ योर पेरेंटल हाउस। आप मतलब पुराना जो अपने माता पिता का घर है वो सेल करना चाहते हैं, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है। तो जब भी आप किसी भी घर को किराए पे देना चाहते हैं
या सेल करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा अपनी एकोमोडेशन के बारे में, वो एकोमोडेशन कैसी है, मतलब कितने उसमें नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, कौन सी फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, आपके घर का कितने स्क्वायर मीटर एरिया है जिसको आप किराए पर देना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं, जैसे कार पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं, लान है या नहीं है, लोबी है या नहीं, या बाथरूम है या नहीं, किचन है या नहीं, ये सारी आपको डिस्क्राइब करनी होती हैं कि उस घर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, या किचन जो है मॉडुलर किचन है या नहीं, या सिंपल किचन है, लोकेशन बतानी है कि आपका घर कहाँ पे है, चंडीगढ़ रोड पे है, कहाँ पे है, या लुधियाना में है, कहीं भी जो लोकेशन आप डिस्क्राइब करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस या रेंट, अगर आप अपने घर को सेल कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे, अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो रेंट लिखेंगे, ओनर डिटेल, अब ओनर क्यों बेचना चाहता है तो ओनर के बारे में बताएंगे, द ओनर हैज़ परचेज्ड न्यू हाउस सो ही वांट्स टू सेल हाउस, इस तरह की कोई भी आप ओनर के बारे में जानकारी लिखेंगे कि वाई ही वांट्स टू सेल द हाउस, या आगे कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर ये जरूर देना है, तभी लोग आपसे संपर्क कर पाएंगे, जो है अगर आप अपने घर को किराए पे या सेल करना चाहते हैं तो। देखिए अभी हम एग्जांपल देखते हैं, फ्लैट फॉर सेल द टू सेल, यहाँ पे एग्जांपल जो है तो ए ब्यूटीफुल फर्निश्ड फ्लैट ऑन द ग्राउंड फ्लोर बताया गया है, एक सुंदर जो है सजा हुआ फर्निश्ड फ्लैट है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, किस फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, अब उसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे ये बताना है, हैविंग 3 bedrooms, ए किचन, अटैच्ड बाथरूम्स, लोबी, ए डाइनिंग रूम, इंडिपेंडेंट कार पार्किंग फैसिलिटी एंड लान इज ऑफर्ड फॉर सेल ओब्लिक रेंट इन द सिविल लाइन्स एरिया ऑफ लुधियाना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, एक वर्ड लिखा है फॉर सेल, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो फॉर सेल आएगा, तो रेंट नहीं आएगा, जो रेंट वाला वर्ड है ये रेंट नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है। लेकिन मान लो अगर आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है सेल वर्ड नहीं आएगा, तो आएगा फॉर रेंट इन द सिविल लाइन एरिया ऑफ द लुधियाना, इसका ध्यान रखना है। जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको फॉर सेल के लिए यूज़ करेंगे या टू लेट के लिए यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर तो वो सेल के लिए तो फॉर सेल लिखेंगे, अगर रेंट के लिए है तो फॉर रेंट आएगा, तो सेल नहीं आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इन द सिविल लाइन्स एरिया ऑफ लुधियाना, जहाँ भी उसकी लोकेशन है, लोकेशन भी बतानी है। प्राइस ओब्लिक रेंट, प्राइस किसके लिए आएगा, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो आएगा प्राइस जो है एक्सपेक्टेड 30 lakhs, प्राइस एक्सपेक्टेड कितना आया 30 lakhs। अगर मान लो आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, टू लेट के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आएगा रेंट एक्सपेक्टेड 30k 30,000, तो इसका आपने ध्यान रखना है। मतलब अगर आप देखिए उसको सेल कर रहे हैं तो आपका जो है प्राइस लिखा जाएगा और एक्सपेक्टेड लिखा जाएगा, जी प्राइस एक्सपेक्टेड 30 lakhs ये आएगा। लेकिन अगर उसी एडवर्टीजमेंट को आप अगर जो है रेंट पे दे रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे रेंट एक्सपेक्टेड 30k 30,000, इसका आपने ध्यान रखना है। आगे किसको कॉन्टैक्ट करना है ये बताना है, संजीव कुमार 42 वार्ड नंबर 5 सिविल लाइन्स लुधियाना, मोबाइल नंबर आप अपना राइट करेंगे और इसको आप लास्ट में बॉक्स के अंदर भी बंद करेंगे। अगली एडवर्टीजमेंट देखिए, एकोमोडेशन वांटेड, अब मान लो आपको कहीं किराए पे कमरा चाहिए तो आप कैसे एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है, जो फैसिलिटीज़ हमने पीछे, मान लो हम पहले किराए पे दे रहे थे कमरा, अब हमें किराए पे चाहिए तो हम बताएंगे हमें इस तरह का कमरा चाहिए, हमें एक बेडरूम चाहिए या टू बेडरूम चाहिए, हाँ उसके अंदर एक किचन होना चाहिए, बाथरूम अटैच्ड होना चाहिए, कार पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी हम बताएंगे, कहाँ पे होना चाहिए, लोकेशन भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए एकोमोडेशन वांटेड के लिए एक एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे वांटेड ए 1 room set, किसी को चाहिए होगा 1 room set, किचन होना चाहिए उसके अंदर, टॉयलेट अटैच्ड होना चाहिए, कहाँ पे, लोकेशन बताई गई है नियर गवर्नमेंट कॉलेज चंबा। अगर और भी इसके अंदर कोई फैसिलिटी चाहिए वहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे वांटेड ए 1 room set, किचन, टॉयलेट अटैच्ड, कॉमा लगाएंगे आप, कार विद कार पार्किंग फैसिलिटी नियर गवर्नमेंट कॉलेज चंबा, आपको कार पार्किंग फैसिलिटी भी चाहिए, ठीक है। रेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़, आप जो है लिख सकते हैं जो रेंट होगा अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़ होगा, या इसमें ये भी लिख सकते हैं रेंट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज़, जो है फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। कॉन्टैक्ट आगे आपने बताना है अपना नाम, एड्रेस और कहाँ आपकी लोकेशन है, विजय कुमार 42 रामनगर चंबा, मोबाइल नंबर, इस तरह से एकोमोडेशन वांटेड की भी आप एडवर्टीजमेंट तैयार करेंगे और लास्ट में इसको भी आप बॉक्स के अंदर लिखेंगे।
फिर है लॉस्ट एंड फाउंड। कई बार लॉस्ट एंड फाउंड के जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आपने बताना है कि लॉस्ट से शुरू करना है, लॉस्ट डैश उस आइटम का नाम, जैसे लॉस्ट ए मोबाइल, लॉस्ट ए सर्टिफिकेट फाइल, लॉस्ट ए पर्स, आइटम नेम लिखा ना, जहाँ पे आइटम नेम की जगह जो आप करेंगे लॉस्ट ए पर्स, लॉस्ट ए मोबाइल, जो भी आपका प्रोडक्ट खो गया है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन मीन्स कि वो उसका कलर क्या है, उसका कवर क्या है, उसके अंदर क्या क्या था, वो किस कंपनी का बना है, उसकी सारी जानकारी देनी है जिस जो प्रोडक्ट आपका खोया है। फिर आपने बताना है कैरिंग, उसके अंदर क्या था, कंटेनिंग व्हाट, कंटेंस उसके अंदर क्या था, मनी थी, डॉक्यूमेंट्स थे, आधार कार्ड था, उसके अंदर पैन कार्ड था, ये आप सारी डिटेल्स देंगे, या उसके अंदर सर्टिफिकेट्स थे। फिर कब खोया, व्हेन, डेट एंड टाइम, आपने डेट और टाइम भी इसमें डिस्क्राइब करना होता है। हाउ, कैसे खोया, ये भी बताना होता है। लोकेशन, किस लोकेशन पर वो खोया। व्हीकल नेम एंड नंबर, उस व्हीकल, वो बस के अंदर खोया, कार के अंदर खोया, ट्रक के अंदर खोया, जिस भी व्हीकल के अंदर वो खोया है उसका नेम और ट्रक उसका जो है नंबर भी आएगा। रिवार्ड, हाँ आपने रिवार्ड भी प्रॉमिस करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कोई प्रोडक्ट खो गया है तो आप लिख सकते हैं द ए कैश प्राइस इज़ प्रोमिस्ड, आप जो है जहाँ ए रिवार्ड इज़ प्रोमिस्ड, इस तरह की लाइन आप लिखेंगे। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनका आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब एक आप एडवर्टीजमेंट देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड, जैसे लॉस्ट ए, अब देखिए क्या खोया है, ए सर्टिफिकेट फाइल। अब उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है, कैसी है वो, रेड कलर्ड कवर, लाल रंग का कवर है, वीआईपी मेक, किस कंपनी का है, वीआईपी का है, वियरिंग माय नेम, क्या क्या है उसके ऊपर, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस है, एंड फोटो, फोटो भी है। अब क्या क्या है उसके अंदर, कंटेनिंग माय सर्टिफिकेट्स एंड आधार कार्ड, कब खोया, ऑन 24 जनवरी 2021, कब खोया, 8:02 PM, कैसे खोया, वाइल, हाउ, वाइल, कैसे खोया, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू कांगड़ा, किस से, बाय द बस नंबर, बस का नंबर आ गया HP 192351। ये HP 19 का मतलब हिमाचल की बस थी, HP 192357। आगे आपने जो है रिवार्ड के लिए प्रॉमिस करना है, फाइंडर विल बी रिवार्डेड, जहाँ ए कैश प्राइस इज प्रॉमिस्ड, इस तरह की लाइन आपने लिखनी है। फिर लिखेंगे लास्ट आप कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप लॉस्ट एंड फाउंड की एडवर्टीजमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट देखिए, ब्राइड ग्रूम वांटेड, अगर आपका मान लो कोई आपको जो है आप अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं, तो आपको जो है कोई दूल्हा जो चाहिए, ब्राइड ग्रूम वांटेड, तो आप लिखेंगे वांटेड ए सुटेबल मैच और फार ब्यूटीफुल राजपूत गर्ल, आप बताएंगे कि मुझे एक जो है सुटेबल मैच चाहिए, जो है आप लड़की की, जहां जिस लड़की के लिए वो दूल्हा चाहिए उसकी आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बारे में बताना है। राजपूत गर्ल है वो, 25 एज है उसकी, 5'6", MSc मैथमेटिक्स, BEd, रिपोर्टेड फैमिली है, सर्विंग एज लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, टी टोलर बिजनेसमैन ओब्लिक डैश डैश डैश। तो टी टोलर होता है कि जो मद्यपान नहीं करता हो, जो ड्रिंक नहीं करता हो, बिजनेसमैन प्रेफर्ड। अगर आप बिजनेसमैन ही लिखना चाहेंगे तो टी टोलर टीचर भी लिख सकते हैं, टी टोलर आर्मी पर्सनल प्रेफर्ड, कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। टी टोलर का मतलब जो हु अब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंक्स, जो अल्कोहल वगैरह नहीं लेता हो, टी टोलर बिजनेसमैन प्रेफर्ड, या टी टोलर टीचर प्रेफर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी है। डोरी सीकर्स नीड नॉट अप्लाई, या आप लिखेंगे नो डोरी, दोनों में से आपने एक जो है फ्रेज लिखनी है, डोरी सीकर्स नीड नॉट अप्लाई या नो डोरी। कास्ट नो वार, कॉन्टैक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस आ गया आपका जैसे, और मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए मोबाइल जहाँ पे जो है गलत टाइप है तो आप इसको ठीक करेंगे, मोबाइल कर लेंगे, जहाँ पे MOB या MOBILE कर लेंगे मोबाइल नंबर, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, ब्राइड वांटेड मतलब दुल्हन चाहिए। अब ये उसका उल्टा है, ब्राइड वांटेड मीन्स कि दुल्हन चाहिए, तो आपने पहले लड़के की खासियत बतानी है, किस तरह का लड़का है, तो आप लिखेंगे वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर हैंडसम राजपूत बॉय, ये आ गया, 25 उसकी 25 है, 5'6" उसकी हाइट है, MSc मैथमेटिक्स, BEd, रिपोर्टेड फैमिली है, सर्विंग एज लेक्चरर इन प्राइवेट स्कूल, नो डोरी, कास्ट नो वार, कॉन्टैक्ट, ये एड्रेस आ गया। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स आप मैट्रिमोनियल मतलब ब्राइड ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड की जो है ये तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।